गाने में भी यही स्वर आ रहा है। अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। तो हम सबके दिलों की पुकार इस सुंदर गीत के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। आज इस इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे अतिरिक्त मुख्य अतिथि माननीय महोदय अभ्राता लक्ष्मी कुमार कौशिक जी का मैं मंच में स्वागत करती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ, आइए। तत्पश्चात माननीय महोदय अभ्राता राम कुमार कौशिक नंगोई जी का स्वागत करती हूँ मंच में, आपका सादर आमंत्रण। महोदय माननीय भ्राता गौरी शंकर कौशिक जी का मैं मंच में सादर आमंत्रण करती हूँ, आपका तहे दिल से स्वागत है, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। इस
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ही थोड़ी देर पहले हमने मन से शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा शिव को आमंत्रित किया है, प्रोग्राम का शुभारंभ करने से पहले हम एक मिनट परमात्मा की याद में बिताएंगे। मेडिटेशन गीत बजेगा, सभी याद करेंगे। जैसा कि आप सभी को आभास हो गया होगा, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर के जाते हैं। आप सभी को पता है कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया क्यों जाता है? मैं बताती हूँ आप लोगों को। भारत के पांचवे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस 23 दिसंबर को 2001 से किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी ने किसान भाइयों के जीवन व स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई नई नीतियों की शुरुआत की और साथ ही साथ संसद में किसानों के पक्ष में आवाज उठाने वाले किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह मैं किसान भाइयों के लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। किसान धरती माँ के साथ मिलकर ऐसा जादू करता है, किसान धरती माँ के साथ मिलकर ऐसा जादू करता है, तब जाकर कहीं करोड़ों का पेट भरता है। उसकी पालना से मिलता पोषण, उसकी पालना से मिलता पोषण देता चेहरों को मुस्कान। हम सच्चे हृदय से करते हैं किसान भाइयों का सम्मान, किसान भाइयों का सम्मान। थोड़ी देर बाद हम हमारे मुख्य अतिथियों के स्वागत के उपलक्ष में एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। हमारी छोटी बालिकाओं के द्वारा आराध्या और अनाया बस थोड़ी ही देर में मंच में उपस्थित। उनको
बस थोड़ी देर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम मैं बीके अनामिका बहन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे संस्था परिचय के लिए। बीके अनामिका बहन, ओम शांति। सर्वप्रथम हमारे मंचासीन परम आदरणीय सम्माननीय अतिथिगण एवं समस्त दर्शकगण, किसान भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं, लेकिन आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस होता गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत आठ दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना सन 1936 में सिंध हैदराबाद प्रांत में हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो खास प्रतिबद्ध है आध्यात्मिक समाज द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने में। वर्तमान समय यह संस्था अब संपूर्ण विश्व में 140 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। माउंट आबू राजस्थान इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इस संस्था का मिशन है मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन लाना, मनुष्यों के जीवन में दिव्यता लाना, हमारे भारत की ऊंची संस्कृति के इतिहास को वापस लाना, अंधश्रद्धा मुक्त, नशा मुक्त, तनाव मुक्त भारत बनाना। हमारा उद्देश्य है घर घर को स्वर्ग बनाना। घर घर को स्वर्ग बनाना मातृत्व शक्ति के हाथ में है, और यह बहुत ही गौरव का विषय है कि संपूर्ण विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका संपूर्ण संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय इस संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी हैं, जिनकी उम्र वर्तमान समय 99 वर्ष है। सन 1981 में इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्था को मानवता की सेवा के लिए 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया है। हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, तो अर्थात जैसे स्वयं के जीवन को सुख शांति में बनाकर दूसरों सभी के जीवन को सुख शांति में बनाकर एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना करना, और मानवता समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को यहाँ राज्यों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो एक प्रकार से यह संस्था एक यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि विभिन्न देशों में एक ही समान एक ही समय पर पढ़ाई पढ़ाई जाती है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य है हर मानव को यह लक्ष्य देना कि मनुष्य देवता समान बने, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा एक मूल्यनिष्ठ समाज के स्थापना में स्वयं को मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में स्वयं को निमित्त बना रहे हैं। ये संस्था अपना बहुमुखी कार्य 19 प्रभागों के द्वारा करती है, जैसे कि शिक्षा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, महिला प्रभाग आदि आदि। उसमें से एक है ग्राम विकास प्रभाग, जिसके अंतर्गत आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
हर धर्म, जाति, भाषा, किसी भी प्रकार के लोग ये ईश्वरीय ज्ञान लेकर स्वयं को लाभान्वित कर सकते हैं। और मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप भी ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स अवश्य करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। ये कोर्स प्रतिदिन 7 दिन का होता है, 1 घंटे का। आप यहाँ आकर ये निःशुल्क कोर्स कर सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद अनामिका बहन जी का। इसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथियों का तिलक लगाकर पुष्प गुच्छों के द्वारा और बैच के द्वारा सम्मान करेंगे हमारे बीके बहने। तालियां बजती रहनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम की। आन बान शान है तालियां, मैं ढोल नगाड़ों के समान है, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अतिथि देवो भव कहा गया है, हमारे अतिथियों का सम्मान दिल से किया जा रहा है। तालियों की गूंज सबके कानों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम सुस्वागतम। तत्पश्चात हम छोटी छोटी नन्ही बालिकाओं के द्वारा एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत है, आराध्या और अनाया दोनों ही मंच पर आएंगे। तालियों के साथ स्वागत करें हमारी छोटी छोटी बालिकाओं का। वंदे मातरम गीत पे इनकी स्वागत गीत प्रस्तुति है। बस थोड़ी ही देर में
जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे। छोटे छोटे बच्चों का गाना चालू किया जाए। बस थोड़ी देर में चालू होने वाला है, कोई बात नहीं। इंतजार के बाद की घड़ियां बहुत ही और मनमोहक होती हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ और ये गाना चालू हुआ। बहुत ही सुंदर स्वागत गीत नृत्य की प्रस्तुति, वंदे मातरम, मतलब भारत माता की जय, धरती माता की जय के साथ भारत माता की सभी जय करेंगे। भारत माता की जय, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के दिन, राष्ट्रीय किसान दिवस के दिन, इस नारे के बिना फीका फीका सा लगता है कोई भी प्रोग्राम। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी बी के छाया दीदी जी को। आप उसलापुर स्थित ओम शांति सरोवर की मुख्य संचालिका है। आपके अंतर्गत उप सेवा केंद्र जैसे कोटा, सकरी, गनियारी की सेवाएं सूत्रधार। आप सीनियर राजयोगिनी शिक्षिका जो कि विगत 22 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आपने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में तनाव मुक्त जीवन, नशा मुक्ति और आदि आदि अन्य विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं अथवा और वर्तमान में आप हमारी बाप दादा समान पालना कर रही हैं। मैं दीदी जी के लिए बस यही कहूंगी, आप सुखद शासन की पहचान है दीदी जी, आप सुखद शासन की पहचान है दीदी जी, व्यक्तित्व नहीं संस्थान है दीदी जी, सहज सरल और गुणवान है दीदी जी, शिव बाबा का हमको अनमोल वरदान है दीदी जी, अनमोल वरदान है दीदी जी। मैं आपका मंच में स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। तालियों से स्वागत करेंगे छाया दीदी जी का। ओम शांति। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सामान्य मंच जिसमें उपस्थित हमारे राष्ट्रीय गोवंश सेवक संघ के माननीय भ्राता धीरज मुंडलियार जी एवं हमारे बीच उपस्थित लक्ष्मी कुमार कौशिक जी भ्राता जो कि पूर्व कृषि संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं
और साथ में माननीय भ्राता राम कुमार कौशिक नगोई जी व माननीय भ्राता गौरी शंकर कौशिक जी वाइडी मंच में उपस्थित हैं। आज का ये कार्यक्रम परमात्मा प्रेरणा से रखा गया। वैसे तो हर साल हम राष्ट्रीय किसान दिवस पर विशेष किसानों के सम्मान के लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस कार्यक्रम में के जो प्रेरणा है वो प्रेरणा सूत्र हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, साथ में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का और आप उपस्थित सभी भाई बहनों का इस कार्यक्रम का द्वारा बहुत स्वागत एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब की उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती है। किसान दिवस विशेष में तो त्याग तपस्या और सेवा का प्रतीक हमारे जो किसान भाई बहने हैं, हमारा दिल से उनको नमन और वंदन है। आगे भी हम आप सबके बीच अभी विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे तो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद छाया दीदी जी का। हमने मन में तो प्रोग्राम के शुरुआत में ही दिए जला लिए थे, अब मंच पर दीप प्रज्वलन का आप प्रोग्राम रखते हैं। हमारे सभी माननीय अतिथि जी महोदय जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके द्वारा और आप सभी के द्वारा मन से हम सभी साथ में मिलकर दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे माननीय महोदय भ्राता राम सेवक कुशवाहा भाई जी का भी सादर आमंत्रण है स्टेज में दीप प्रज्वलन के लिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सुंदर कविता प्रस्तुत करेंगी। इस कविता के आनंद के बाद हम हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा यौगिक शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा उनके उद्बोधन सुनेंगे। बीके दुर्गा बहन
तालियों में कमी हो जाती है, तालियों पे स्वागत करें। ओम शांति। मेरे किसान भाई खुद पर नाज करो, मेरे किसान भाई खुद पर नाज करो, किसानी करना कोई कम बात नहीं। बंजर भूमि में अनाज उगाना कोई चमत्कार से कम नहीं, बंजर भूमि में अनाज उगाना कोई चमत्कार नहीं। मेरे किसान भाई खुद पे नाज करो। जिसको धरती माँ से प्यार है उनकी परीक्षा सब लेते हैं, किसानों से पूछो तपती गर्मी में आराम नहीं, पानी के बौछार में हारते नहीं, ठंडी में भी किसानी छोड़ते नहीं। मेरे किसान भाई कभी किसानी छोड़ना नहीं। नई नई फसल उगाना किसानों की खूबी है। जब अनाज हरियाली होती है तो धरती माँ सुंदर हरी साड़ी में नजर आती है, जब अनाज पक कर सुनहरी रंग में आ जाती है तो धरती सुनहरी जेवरों से सजी नजर आती है। मेरे किसान भाई आपकी मेहनत से हमारी थाली में दाल चावल रोटी है, कभी किसानी छोड़ना नहीं। मेरे किसान भाई किसानी करना कोई कम बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी सुंदर इनकी मन की कल्पना है। हमारी बीके दुर्गा बहन, ये उनकी खुद की रचना थी जो कविता उन्होंने प्रस्तुत की, और वो तुरंत ही सोच के बनाते हैं, उनका पहले से निर्धारित नहीं था, उन्होंने तुरंत अभी बनाया और बोला कि मुझे कविता बोलनी। तो कितनी सुंदर कल्पना है उनकी कि किसान भाई किसानी करना छोड़ना नहीं, किसानी करना कोई कम बात नहीं, कोई कम बात नहीं, सच में कोई कम बात नहीं। अब मैं अतिथियों से आग्रह करूंगी, माननीय महोदय भ्राता धीरज मुलदियार जी का, जो राष्ट्रीय गोवंश सेवक संघ के सदस्य हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपने शब्द उद्बोधन के लिए। जय गौ माता, जय किसान, भारत माता की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक इतने अच्छे माहौल में अतिथि बना के बुलाया, तो मैं आभारी हूँ आप सभी का। माननीय श्री छाया बहन जी, श्री लक्ष्मी कुमार कौशिक जी, माननीय अतिथि श्री राम कुमार कौशिक जी, श्री गौरी शंकर जी, आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला।
मेरा विषय है गौ आधारित खेती। आप सभी किसान हैं और गौ माता से सबके सब वाकिफ हैं। आप पूरे भारत में जहां भी किसानों की बात आती है तो पहली बात आती है, जो भी शासन व्यवस्था हो किसी के पास भी जाएंगे, पहला समस्या कि किसानों की आय बढ़ाएंगे, एक ही बात होती है, किसानों की आय बढ़ाएं। लेकिन मैं आपको दूसरे विषय में ला रहा हूं, किसानों का खर्च कम कैसे किया जाए, क्योंकि किसान की आय बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, सीधा सीधा प्रभाव सामान्य उपभोक्ता पे पड़ेगा। उसके बजाय हमको ये प्रयास करना चाहिए कि किसानों की का जो खेती में खर्च है उसको कम कैसे किया जाए। आपका जितना लागत कम होगा उतना आपकी आमदनी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे, खास तौर पे छत्तीसगढ़ में गौ माता है जो कोसली वंश की है। हमारे यहाँ की जो गौ माता है, जिसको हम लोग देसी गौ गाय कहते हैं, इसका प्रजाति है कोसली, और इसको हम सभी किसान लोग, देखिए कोई बाहर से लाके नहीं छोड़ा है, पूरी गाय हमारे ही किसान भाइयों की है जो रोड में है, और उसका नुकसान भी केवल किसान भाई को ही हो रहा है। मैं जगह जगह जाता हूं गांव में तो एक ही समस्या आती है कि ये गाय रात के सब खेत में घुस जाती है और पूरा चारा चर लेती है। ये समस्या प्रायः छत्तीसगढ़ के पूरे 22,000 गांव की है, पूरे के पूरे। आपके पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जगह जाएंगे आपको यही समस्या मिलेगी कि रात के गाय छोड़, तो गाय बाहर की नहीं आई है। दूसरा बात यह है कि हम गौ माता से रिलेटेड खेती करने के, गौ आधारित खेती के बजाय हमने केमिकल आधारित खेती शुरू कर दिया, जिससे स्वास्थ्य भी खराब हो गया और आमदनी भी कम हो गई, क्योंकि आपका जो केमिकल है वो बहुत महंगा है। गाय के वेस्टेज से ही आप संपूर्ण खेती कर सकते हैं किसी भी प्रकार के अनाज का। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान उगाया जाता है, प्रायः इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान के किसान हैं। तो धान में जो सामान्य बीमारियां आती है, जैसे हमारे यहाँ रोपाई वाला क्षेत्र है, अपन रोपा लगा के लगाते हैं धान। इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आप रोपा लगाएं, 8 दिन बाद चाहे उसमें बीमारी हो या ना हो, आप गौमूत्र को मशीन में रखिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। हर 8 दिन के बाद एक बार छिड़काव करेंगे, औसत 65 से 70 दिन की फसल हमारे यहाँ लिए जाती है। लगभग 65 से 70 दिन की जो भी फसल है हमारे यहाँ, जो भुट्टा वगैरह उगाते हैं, मक्का वगैरह, उन लोग भी 65 से 70 दिन की किसानी लेते हैं। उतने दिन में फल जाए, कुछ अलग वैरायटी आती है वो 90 से 100 दिन की आ जाती है, धान में कुछ पतला उगाते हैं वो 120 दिन के आसपास की आती है। आपको एक गाय एक एकड़ में खेती करने के लिए संपूर्ण खाद और उसके इलाज के लिए पूरे कीटनाशक दे देगी, एक एकड़। अगर 10 एकड़ के किसान हो तो मात्र 10 गौ माता रखिए आप, और उसका जो गोबर है वो आपके 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त हो जाएगा साल भर का। और जिस दिन आपको उसमें दवाई के रूप में उपयोग करना है, उसके गौमूत्र को आप लीजिए, उसको मशीन में डालिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। एक गाय का एक हफ्ते का गौमूत्र आप एक एकड़ में आराम से डाल सकते हैं, कमी नहीं आएगी। आप लोगों को जब भी इस विषय में जाएंगे समग्र ग्राम विकास वाले के, तो आपको अलग अलग प्रकार का जो गौ आधारित खेती या ऑर्गेनिक खेती, इस विषय में आपको अलग अलग जानकारी दी जाएगी। गौमूत्र अपने आप में संपूर्ण कीटनाशक है, आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है कि उसमें यह मिलाया जाए वो मिलाया जाए। अगर आपको किसी प्रकार का ऐसा लगता है कि कुछ मिलाया जा सकता है, तो जो भी ऐसे औषधि है जिसको गौ माता नहीं खाती, जो भी ऐसा औषधि आप जानते हैं कि गौ माता नहीं खाती, जैसे हमारे यहाँ एक पौधा होता है बेसरम, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, बेसरम का एक पौधा होता है, उसके पत्ती को डाल दीजिए। कनेर होता है,
कनेर के पत्ती को आप गौमूत्र में भिगा दीजिए, नीम पत्ती को डाल दीजिए, नीम पत्ती नहीं है तो उसके फल को डाल दीजिए, जामुन के फल को डाल दीजिए या जामुन के पत्ते को डाल दीजिए, ऐसी जो भी औषधि जिसका सेवन गौ माता नहीं करती है उसको आप कीटनाशक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, धतूरा का उपयोग कर सकते हैं, गोबर गौमूत्र को लीजिए और उसमें डालिए और आधे घंटे पका के बाकी को छिड़क दीजिए, आपके पूरे आपके जितने भी प्रकार के कीटनाशक हैं उन सब में उपयोगी है वो, आपके हजारों रुपए के कीटनाशक के खर्च को बचा देगा। हमारे यहाँ किसानों को यह बताया जा रहा है बीमार हो जब तब इलाज करो, बीमार होने ही क्यों भाई, आप अपने पौधों को बीमार क्यों कर रहे हो, बीमारी से पहले इलाज कर लो। जब मेरे को रोग हो गया है तो उसके बाद मैं प्राणायाम करूंगा तो संभव है क्या, उसको तो मेरे को दवाई के साथ प्राणायाम करना पड़ेगा तब मैं ठीक होऊंगा, और रोग ना हो इसके लिए मैं पहले से प्राणायाम कर लूं तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग सब किसान हैं, आप लोग एक अनुभव देखना कि आप लोग जब रोग होता है तभी किस डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया ये हो गया, आप उसकी पहले से ही वो कर लीजिए व्यवस्था कि जैसे मैं रोपाई किया हूं तो आठवां दिन हुआ तो मैं उसमें गौमूत्र छिड़कूंगा, फिर उसके आठ दिन बाद एक बार और छिड़कूंगा, आठ आठ दिन का गैप फल आ गया उसके बाद भी आप छिड़क सकते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और आपको लगता है कि कुछ ज्यादा बीमारी आ रही है मेरे क्षेत्र में फैल रहा है तो आप उसको ये जो अन्य औषधि बताया आपको, जो भी कीटनाशक जो भी गौ माता सेवन नहीं करती उसका आप उपयोग करिए। भारत को विकसित करने के लिए किसान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी कोई तरीका नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई संस्था कोई इंडस्ट्री है तो क्योंकि ये कृषि को आप इंडस्ट्री की दृष्टि से देखिए और दूसरा है गौपालन। भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में तीन सबसे प्रमुख समस्या है, पहली समस्या बेरोजगारी, दूसरी समस्या स्वास्थ्य और तीसरी समस्या है पर्यावरण। अकेली गौ माता इन तीनों समस्याओं का समाधान है। आपको एक जानकारी दे देता हूं, आप लोग कृषक हैं तो आप समझिए स्थिति क्या है। आप लोग देखे होंगे पहले के बुजुर्ग लगभग लगभग 60 साल की उम्र तक चश्मा नहीं लगाते थे, मेरी 42 साल उम्र है चश्मा लग गया पिछले 7 साल से। क्या मेरे घर वाले मेरे को अच्छा आहार नहीं दिए, ऐसा है क्या? सबको अच्छा आहार मिला, हर परिवार हर पालक अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा आहार देता है, लेकिन वो मिले ही नहीं रहे तो उनकी क्या गलती है? आप जो डेयरी में दूध ले रहे हैं वो कमर्शियल गायों का दूध है, इंजेक्शन लगा के उसको कैल्शियम खिला के उसका दूध लिया जा रहा है, उसको आप पिला रहे हैं। आपकी जो गौ माता है आपको लगता है ये दूध कम देती है, एक पाव दूध दे रही इसलिए रोड में घूम रही है। एक गौ माता जो पूरे वर्ष भर दूध नहीं देगी तो भी आप अंदाज लगा लीजिए आपके एक एकड़ खेत में जितना भी औषधि खाद और जो भी आप उपयोग करते होंगे कृषि से संबंधित समस्त औषधि और दवाइयां वाइयां जितने चीज वो सब चीज के खर्च को शून्य कर देगी, एक रुपए का खर्च नहीं है। आपको सिर्फ सुबह उठना है उसके गौमूत्र को जिस दिन डालना है उस दिन सबका इकट्ठा कर लो। आजकल आधुनिक गौशाला भी बनने लगी ताकि गौमूत्र एक जगह इकट्ठा हो जाए, YouTube वगैरह में बहुत सारे चैनल हैं। आपको मैं इस बात का पूरा आश्वासन देता हूं कि गौमूत्र को डालिए आप खेत में, गोबर का ऐसा चीज है कि आपको किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं होगी और आपका जो लागत है किसानी का वो कम से कम हो जाएगा, कम से कम औषधि में आपको लागत नहीं लगेगा, वो सीधा सीधा आपकी बचत होगी, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अपनी अपनी गौ माताओं को घर में रखिए, देखिए वेस्टेज लेती है, आप जो पैरा को जला दे रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, कई राज्यों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसको आपको उठा के लाना है, इतनी मेहनत करना है, उसी को गौ माता खाएगी। आपके घर के पूरे वेस्ट को ग्रहण करके वेस्ट देने का काम गौ माता का है। एक सामान्य जानकारी दे दूं आप लोगों को, केयर करिएगा अपने अपने जीवन में,
गाय को ही माता क्यों कहते हैं? 84,000 से ज्यादा स्तनधारी जीव है पृथ्वी में, 8 से ज्यादा मतलब वंश है, पशु वंश है, उसका हम लोग दूध के रूप में उपयोग करते हैं, बकरी भैंस याक ऊंट अलग अलग। लेकिन ऊंट को नहीं कहा गया, भैंस को नहीं कहा गया, गाय को ही क्यों कहा गया? पहली बात कि गाय का और आपका टेम्परेचर एकदम सेम मैच करता। दूसरी बात, आप गाय के दूध को बिस्तर में बैठने के बाद पीना और तुरंत सो जाना तो भी पच जाएगा, सुपाच्य होता है। आप ये प्रयोग भैंस के दूध में नहीं कर सकते। आप जितना गाय का दूध खाए घी पिएंगे उसका आधा भी अगर आप सेवन भैंस का करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ जाएगी। और गाय एक ऐसी पशु है जो समस्त प्रकार के आपके घर के वेस्टेज को ले लेगी। आप मटर लेके आए, मटर को आप खा लिए, छिलका उसको दे रहे हो, गोभी आप खा रहे हो, पत्ता और डंठल वो खा रही है, धान आप बेच रहे हो पैरा को वो खा रही है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि वो गौ माता ठीक नहीं है। तो गौ माता तो यही की है ना, रसिया से तो नहीं आई है भाई, गौ माता तो आपके गाय गांव की है ना। और आप बोल रहे हैं कृषि महंगा हो रहा है, कृषि महंगा हो रहा है, बहुत सारे किसान कृषि छोड़ना चाह रहे हैं। आप लोग अन्नदाता हो, आप लोग मेहनत करते हो तभी हम लोगों को अन्न मिलता है, बाकी सब चीज का ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट है, किसानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे उसमें सब्स्टिट्यूट में गए, आप लोग गए सब्स्टिट्यूट में, आप लोग ने ज्यादा उत्पादन के लिए बहुत सारे जैविक चीजों का रासायनिक चीजों का उपयोग किया, बाद में उसकी जो दवाई आज फोकट में दे के गया सैंपल के लिए अगर काम कर गया तो 5,000 का हो जाता है वही दवाई। आपको जो सैंपल के लिए 50 ग्राम देता है इसको डाल देना, और उसको खरीदने जाओगे 5,000 कह देता है। आप 1 एकड़ में जितना बचाना चाहते हो उतना वो आपसे ले जा रहा है। किसान को जरूरत क्या भाई ये रसायन का? 1939 से लेके 1945 से पहले एक भी पूरे विश्व में कहीं रासायनिक खेती नहीं होती थी। आप लोग गूगल रखें, सब लोगों के पास एंड्रॉइड सेट है। 1945 में जितनी कंपनियां बम बनाती थी, बारूद का काम करती थी, जितनी भी कंपनियां, वो सब अब कीटनाशक बना रही है। वही सब कंपनियां जो कीटनाशक बना रही है, पहले बम बनाते थे, अब कीटनाशक बना के बम फेंक रहे। जितनी कंपनियां है एक भी ऐसा कंपनी नहीं है। इंटरनेशनल प्रतिबंध लगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि लाइसेंस लगेगा, ये लगेगा, इन लोगों को लगा अब क्या करें धंधा, तो उन लोग कीटनाशक बनाने लगते हैं। और वो कीड़े को मारने के लिए आपको इतना घातक जहर दे रहे हैं कि आपको भी बोला जाता है कि आप मुंह को ढक लीजिएगा जब डालेंगे, तब मास्क का उपयोग करिए। आप सब लोगों को, एक व्यक्ति जो 1 एकड़ का किसान है वो 1 गौ माता को रखे, उसके पूरे गोबर का उपयोग करे साल भर, साल भर में इतना खाद हो जाएगा कि उसको 1 एकड़ खेत के लिए किसी प्रकार का खाद नहीं होगा। दूसरी समस्या आपको बताता होगा वैज्ञानिक अपना रिसर्च करके कि आपके खेत में फलाना चीज की कमी है, आपके जमीन में ये है, आपके जमीन में वो है। आप बिल्कुल मत घबराइए, गोबर एक ऐसा खाद है जो आपके भूमि से संबंधित किसी भी जो चीज बढ़ गई है उसको भी वो कंट्रोल कर देगा, और जो कम है उसको भी बराबर ला देगा, संतुलित कर देगा। दूसरी समस्या ये आ रही है आजकल जो जैविक खेती में नहीं जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, लोगों को यह भ्रमित कर दिया गया कि उत्पादन कम होता है। आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक चीज का मार्केट में आपके जो उत्पादन है उससे ज्यादा मूल्य मिलता है। और दूसरी बात, आपका उत्पादन गिरेगा मैं मानता हूं, लेकिन एक बात, जब पहली बार आप अचानक रसायन से जब जैविक की ओर जाएंगे तो पहली बार में थोड़ा सा उत्पादन कम होगा,
सिर्फ एक बार, उसके बाद आप लाइफ टाइम तक निशुल्क खेती करेंगे, फ्री खेती। आपको ना खाद में खर्च करने की जरूरत, ना कीटनाशक की खर्च। आप एवरेज निकालना, एक दो ढाई एकड़ का जो किसान है, अगर वो रसायन खेती करता है तो उसको मजदूरी करने जाना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। वो मजदूरी करेगा ही, और उसको जैविक खेती कराइए, उसकी मजदूरी छूट जाएगी, वो पूर्ण रूप से किसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी। और जो गोबर खाद से सिंचित खेत होगा, वो आपका पानी भी कम लेगा। तो आप लोगों से ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जैविक खेती करें, गौ आधारित खेती करें। आपको जो बता सकता था इतने समय में बताया, और जो भी जानकारी होगी आप कार्यक्रम के बाद एक बार मिल लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, जैसा भी सहयोग, तो हमारा संगठन करेगा। और अगर आपको जैविक खेती से संबंधित किसी प्रकार का ट्रेनिंग लेना है, तो कम से कम 11 किसान का एक टोली बना दीजिए, उस जगह में जैविक खेती से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, उसके लिए हमारे संगठन की ओर से एक व्यक्ति आएगा, जो आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्रैक्टिकल के साथ दे देगा। आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी गौ माताओं को अपने, उनको अपने स्थान पे रहने दीजिए घर में, और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करिए, जिससे पर्यावरण और आपका स्वास्थ्य और समाज का और भारत के समस्त नागरिकों का और पूरे विश्व का कल्याण हो। जय गौ माता, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। चीर के जमीन को उम्मीद के बीज बोता हूँ, चीर के जमीन को उम्मीद के बीज बोता हूँ, मैं धरती माँ का बेटा हूँ, चैन से नहीं सोता हूँ। बस इसी तरीके के उद्गार थे हमारे भ्राता जी के। इन्होंने इस मिलावट की नगरी में वेस्ट से बेस्ट क्या यूज करना है, इस तरीके का ज्ञान आप तक को पहुँचाया। अब इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे माननीय भ्राता जी गौरी शंकर, माननीय भ्राता जी गौरी शंकर जी को आमंत्रित करती हूँ अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, और हम सबके बीच अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर में मंच में आज माननीय छाया बहन, मुख्य अतिथि माननीय राम कुमार कौशिक जी बड़े भैया, माननीय सहायक परियोजना अधिकारी सेवानिवृत्त एलपी कौशिक जी, कुशवाहा जी एवं मुदलियार जी एवं ब्रह्म कुमारी संस्था एवं आए हुए जितना समस्त किसान भाई, सबका मैं वादन अभिनंदन स्वागत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार ये धरती के स्वर्ग माने जाते जाए के आपके संस्था की ओर से माउंट आबू करीब सन 18-19 के अंतर्गत जाए के मौका लगे रही, करीब एक सप्ताह रहे वहां। वहां एक प्रकार से आत्मा शिव बाबा ये सब भी दिए जाते। अब शिव जी ले तो अपन भी मानथन, और रागे कृषि के मैं ऐसे गांव से मिलान करता हूं जहां बिलासपुर जिला में 25 ब्लॉक रही, ओमा पौड़ी गांव उसलापुर से 10 किलोमीटर दूर है। वहां कृषि पंप के लिए 25 ब्लॉक में प्रथम गांव रही, सन 7 हेक्टर से चला थी वहां खेती,
और दो फसल हुए थे 61-62 से। अब पहली बताई से मुदलियार जी सबके यहाँ गोबर खाद रहे पर्याप्त तो गोबरे खाद डाले जाए। मैं अपन अनुभव भी मां बड़े से बड़े किसान 60-70 एकड़ वाला भी पहली बोरा की जूट जूट बोरा है ना ओम 2-3 बोरा नोट खातू के नाम से चले एमा बुजुर्ग हो है उसका मालूम है नून खातू और जेन यूरिया के जगह में कभी कभी डाले जाए बाकी गोबरे खाद प्रयोग करें वो समय और बीमारी भी ना हो। आज खेती के मां कीटनाशक दवाई से और फर्टिलाइजर से आज जन्म ले बच्चा काहे कैंसर कई प्रकार बीमारी मिलत है वो सब कीटनाशक और फर्टिलाइजर और वही प्रदूषण के प्रभाव से ही देखो जन्म देत में कई प्रकार बीमारी कभी कभी अच्छा अच्छा डॉक्टर भी लो समझ नहीं आए बीमारी समझ नहीं आए। आज के डॉक्टर प्रैक्टिकल करते इलाज नहीं करे और मैं बोलता हूं भी अपन भाषा में कि डाकू तो रात कल लूटते पर डॉक्टर सफेद पोस लगा के दिन दहाड़े लूटते होकर 20 सालों जहां भर्ती हो तो देखा मृत्यु भी हो जा रही तो 2-3 लाख से कम बिल नहीं बने और कहते डेड बॉडी नहीं देंगे। अब वो डेड बॉडी है और खेत बेच के घर बेच के एक दिन ही माँ 2 दिन माँ कर 2-3 लाख बिल वो विद्युत में लगा है मीटर होकर से भी ज्यादा चलते उठकर बिल ये है अनुभव। तो जिन बताई से मुदलियार जी गौमूत्र गौमूत्र के बारे में आस्था भी मां रामदेव जी बताते मैं सुबह 4:30 बजे उठता वैसे 63 साल की उम्र है कोई दवाई नहीं खाऊं मैं अभी कोई शुगर बीपी नहीं है। मैं सुबह उठ के 1 घंटा योग करके गौमूत्र के ही सेवन करता हूं मैं पतंजलि ले लेता हूं 50 रुपया की बाटल मिलते ओमत थायराइड बीपी कैंसर नाना प्रकार के सब बीमारी के गौमूत्र में है कंट्रोल और ये सब डॉक्टर के ना इलाज उलाज मां जितना गोली खाओ तो एक बीमारी दूर होते दूसरा बीमारी पैदा हो जाते जाके देखे हो हम तो वास्तविक मां योग करे अपन संयम से रहे तभी बच पाए। वैसे डॉक्टर मन ला इतना दया नहीं है वो सबके घर और खेत लो बेचवा दे है। और मुदलियार जी कही से मोर गांव भी मां एक बुजुर्ग रही वो करीब 100 एकड़ खेती करत रही पर वो भी कोठा में गड्ढा बना के गौमूत्र के स्पेयर में डाल के और नीम पत्ता कुटवा के और थोड़ा उमा हल्का से थोड़ा मिट्टी तेल मिला के वो छिड़काव करे होकर यह भी बहुत गोबर खाद हो 30-40 जानवर रखे रहे तो ठीक बोली से कि गोबर खाद से पेशाब और गोबर से काफी लाभ है और ठीक बोला थे गौ माता है जैसे हम अपन माता पिता के सेवा कर थन होकर तो नहीं बाहर करी सड़क और गली मां और आजकल गौ जब आ जाते तो दरवाजा लो बंद करके मार पीट के निकाल देते आज के किसान देखो और सब वही बाहर घूम रहे हैं है? उनका पाप नहीं लगी जेन गौ मूत्र से देखो है गौ के माता से पंचगौ से शुद्धिकरण होते देखो कोई पूजा पाठ में गौ के पेशाब गोबर घी दूध दही यही तो पंचगव है। तो गौ माता ले तो सुबह उठ के और शाम के प्रणाम करना चाहिए भोजन में सबसे पहली करे के पहली गौ माता ले खिलाना चाहिए हम देखा ना कई 1000 कोटि देवता के बास है गौ माता मां और कसरत में ढील दिए हैं जरूर लोग गौठान के उपयोग अभी करी कांग्रेस सरकार पर ज्यादा वो नहीं कर पाई
बीच में चलीच ना एक समय रतन जोत बगरंडा डॉक्टर रमन जी कहे कि अब डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं और रतन जोत बगरंडा के तेल से चली कार कहे। कई करोड़ फूकी एक बगरंडा के झार कोई गांव में दवाई बन नहीं मिला आपला। वही हाल गौठान भूपेश के कहीं दिखाई दे थे गौठान में एक भी जानवर जाके देखो यहां से लेकर कोटा तक और तखतपुर तक सब काठा कोनी देवरी खमरिया कन्यारी उसलापुर सकरी सब वही सड़क में बैठे और जब 9-10 बजे आ जब तक गौल नहीं हटा कार आगे नहीं बढ़ा सको और ओकरे माध्यम से एक्सीडेंट भी हो रहे दुर्घटना है तो समय बहुत कम है तो अब मैं बता दे मुदिलियार जी वास्तविक मां गोबर ही है उनका जैविक खाद प्रयोग होना चाहिए यौगिक खाद एक करके और खेती लग करे तो ज्यादा बीमारी से बचे जा सकते है प्रदूषण भी हो जाए और कीटनाशक और फर्टिलाइजर के कम उपयोग करें। यही बोलते हुए मैं अपन वाणी लो विराम देता हूं। भारत माता की ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। हमारे पास इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं कि लग ही नहीं रहा है कि हम विराम दें, लेकिन हमारे समय की थोड़ी सी प्रोग्राम की व्यवस्था को देखते हुए हम बहुत जरूरी चीजों में कम समय में हम क्या लाभकारी बात कर सकते हैं हम आगे ऐसा करेंगे। तो भाई जी के कुछ इस तरीके से उद्गार थे, खेती केवल व्यवसाय नहीं है, तप है, जिम्मेदारी है और पूजा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कूट कूट के उनके मन के इसी तरीके के उद्गार थे। हमारे बीच माननीय महोदय भ्राता राकेश घोसले जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जो कि भारतीय किसान संघ के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और हमारी डीके बहनें तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। और साथ में हमारे माननीय महोदय भ्राता अनुराग ठाकुर जी भी उपस्थित हैं, उनका भी पुष्प गुच्छों से और तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। सॉरी भ्राता रवि गोपाल भाई जी, जय जवान जय किसान, यही है हमारे देश किसान। इसी भावना के साथ हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भी हमारे अतिथि भ्राता लक्ष्मी प्रसाद जी, माननीय महोदय भ्राता लक्ष्मी प्रसाद जी को मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ कुछ ज्ञानवर्धक बातें और उनके उद्गार हम सब सुनेंगे। तालियों से स्वागत करेंगे भ्राता लक्ष्मी प्रसाद जी। ओम शांति। हम
हमारे अतिथि गण से नवोदय निवेदन है कि भ्राता जी मंच पर आमंत्रित हों। कृषि विभाग संकेत कौशिक जी, कोसली जी, आपका स्वागत है मंच पर, तालियों से स्वागत करेंगे। आप मन सब कोई विषय पे अलग अलग वक्ता के विचार सुना था, तो मैं समय के पाबंदी के साथ साथ सब मूल बात रखना चाहिए आपके बीच। मंच में विराजमान समस्त अतिथिगण, आयोजक संस्था, मैं आभारी हूँ। फोन पे जानकारी मिली जो हम आए हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमला भी आज ये मुख्य अतिथि के दीर्घा में स्थान दिए, तो मैं हृदय से आयोजक संस्था के आभारी हूँ। आज के मूल विषय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस का किसान दिवस के रूप में मनाया जाते, और ये बात का गौर करते हुए ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा किसान दिवस के रूप में मना करके हर साल यहाँ आयोजन होते, मैं एक बार कार्य करते हुए कृषि विभाग में मैं रात के होते रहे कार्यक्रम तो आए रहे, मंजू बहन जी आयोजक रही उस समय, तो मोला तब से मालूम है कि यहाँ एक बहुत अच्छा रूप दे करके एक किसान दिवस ला आयोजित किए जाते हैं। और इनका मूल विषय है जो किस यौगिक खेती, पूरा सब अलग अलग गौवंशी परंपरा से यौगिक खेती, परंपरागत खेती होत रही जो आज रासायनिक खेती के रूप में और कीटनाशक के प्रयोग में हमला जहरीली खेती के रूप में और उत्पाद जो मिल रहे हैं, जिन उत्पादन तो बढ़ी लेकिन ओकर जो तासीर है वो तासीर के कारण जो तनाव और अन्य प्रकार के बीमारी और वो भी सभी मानव जन जब बच्चा से लेके बुजुर्ग तक ओकर सेवन से प्रभावित हो रहे है जाने अनजाने सब, बट विचार ये नहीं किए जा रहे है क्योंकि हमारे साथ मुख्य उत्पादन एक विकल्प के रूप में आगे शासन की नीति जो है कृषि ला बहुत प्रोत्साहित करत है, तो मूल विषय में आगे किसान के हमका उत्पादन ही अधिक बढ़ाना है जेकर से अधिक आमदनी हो है। बट ऐसने समाज सेवी और आध्यात्मिक संस्था मन ये विषय पर विचार करत जाए और आपो मन ये आयोजन के माध्यम से ध्यान से समझिया और धीरे से एक कदम पीछे ले जा करके जो मूल बात है कि उत्पाद से हमला खेती से हमला पेट ही नहीं भरना है, पेट में जा करके वो जो हमारे शरीर में तासीर बना रहे हैं, वो तासीर में जो सुख भूख मिट रहे हैं लेकिन सुख और शांति जो के जेकर अभाव हो रहे है ओकर वजह का हमन आयोजन के माध्यम से समय समय पर और भी विभाग भी बहुत प्रयास करे, लेकिन किसान जो आगे बढ़ चुके है ओकर से वो हर पीछे हटना नहीं चाहते, तो यह बहुत चिंतन के विषय है। हमन सब विषय कर लेके जाई और अपन अपन गांव में होकर जो उन्हें जागरण पैदा करी, जैसे हर कोई तुमन खाए भर एक अलग खेत में अलग धान और अलग हिम्मत थोड़ा यूरिया कम डाली ये सोच करके तो जो उन्हें कर था, बट हमन खाए भर अपन सोचा था वही अनाज है पूरा आज अन्न उत्पादक किसान के माध्यम से पूरा देश प्रदेश विदेश तक वो अनाज जाते और वही तासीर जा रहे है, आखिर करके वो वितरण प्रणाली में हमारे घर आवाते शासन के मंसब से, तो वो जो अन्न के तासीर है ओला बदलाव के बहुत आवश्यकता है, यह हर जगह हर वर्ग द्वारा हर कोई महसूस कर रहा था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ विषय में
ही ओकर तासीर थोड़ा थोड़ा बदलत बदलत बदले जा सकत है। कि पहले तो संतुलित उपयोग उर्वरक के करना है, गोवंशी खाद का शामिल करना ही करना है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी बहुत प्रयास किए गए हैं गौठान के विकल्प देकर के गौवंशी के रक्षा कैसे करे जाए, लेकिन वो हर राजनीतिक मंशा के कारण और जन भागीदारी के हमारे जागरूकता और अभाव के कारण वो फेल हो गए। उमर राजनीतिकरण का रूप दे करके जो सीमित जगह में बनाना रही थे व्यापक जगह में बन गए, बहुत गांव गांव बन गए, मुख्य विषय से हट करके बड़े बड़े दिमाग दान मन के वो भाव लखत गई और वो हर बड़े रूप लेकर के एक फेल। उमर सीधा सीधा गोबर खरीदे एक बहुत अच्छा विकल्प रही से, गोबर खरीद करके ओकर वर्मी खाद बनाए गई से वो एक बहुत अच्छा उत्पाद है। मैं स्वयं विभाग के अधिकारी के रूप में होकर हमने प्रयोग कराए हैं किसान। अब चूंकि वो सोसाइटी के माध्यम से थोड़ा सा अनिवार्यता रख दिए गई तो कहीं कहीं के उत्पाद में कुछ गुणवत्ता की कमी आई तो वह एक तरह से हवा भी बन गई। लेकिन गोबर खरीदी एक अच्छी व्यवस्था है, मैं आज भूतपूर्व कृषि विभाग के अधिकारी के रूप में महसूस भी करे हूँ और जो किसान मन ओका अंगीकार भी करे है वर्मी खाद के रूप में ओकर बहुत ही जो 400 से 500 810 वो जैविक खाद के थैली केमिकल वाला बोथे खेत में डालते हैं धान में हो चाहे अन्य फसल में ओकर से बहुत लाख दर्जा के रही से 300 रुपए के वर्मी खाद जेकर किसान मन का हमन उपयोग कराएं ग्रीष्मकालीन धान से लेकर खरीफ के सभी फसल में ओकर उपयोगिता बहुत अच्छा रही से जिन मन पहली ले जाना था तिन मन अभी भी करी। और मैं आप मन जो मंच में विराजमान प्रतिष्ठितगण है उनको से अपन बात का माध्यम तक पहुँचावे ये अनुरोध करी हूँ कि राज्य शासन के बहुत से धनराशि गौठान में लग चुके हैं, यदि नवा सरकार ओला एकाएक वापस ले है, तो वही है कि मतलब जो लगे हुए धन के और अड़गे हुए जो जमीन है ओकर माने दुरुपयोग हो सकत है और वो धन अनर्थक सिद्ध हो जाए। तो मैं हाँ माधव सिंह आप आइए ना कार्यक्रम में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कार्यक्रम में है ना। तो गौरी शंकर जी से मैं व्यक्तिगत भी चर्चा करते हो कि धर्मजीत जी जी से उनका बहुत अच्छा संपर्क है, उसने अपन अपने स्थानीय नेता मन के माध्यम से कोई भी योजना एक पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लागू है वह एक बंद नहीं होना चाहिए, ये समाज हित में प्रदेश हित में और वो गांव के हित में भी सर्वथा उचित नहीं समझा हूं। मैं उसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखे हूँ और अपन बात का अब आगे भी पहुंचाए के मंशा रखा था, बट एमा सोच के जरूरत है। दूसर यौगिक खेती वो है जिला सामान्य रूप से आप मन समझा कि जैसे हमन अपन घर में बालक का लड़का ला जैसे सेवा देथन जैसे दुलार महतारी देते ठीक वही तरह से हमार जो फसल है वही हमार से अपेक्षा करते। मैं 1983 में वारस यूनियन नाम के जगह में मैं अपन विभाग के जो छोटे पद है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिला ग्राम सेवक कहें तेकर ट्रेनिंग में रहे हैं। वहाँ एक सीनियर साइंटिस्ट रहे नापटोड़े जी, वो हर योगी पुरुष के रूप में रही से वहाँ और वो हर एक बात के मूल मंत्र मूलधीश जिला में है धरे वो बताई कि जैसे किसान घर बनाते और घर में रहे नहीं और देखिया एक साल बाद को आना जाना और साफ सफाई नहीं हुई तो घर की दीवार क्रैक हो जाती, ये बात सही है कि नहीं? काहे वो मालिक खोज थे वो जी खोज थे वो निर्जीव प्राणी होकर वैसे खेत ही वैसे फसल भी रोज के रोज वो धान के बाली वो पौधा हमला अपन मालिक लग देखना चाहते ऐसे ऐसे। और यदि अब हम रोज होकर खेत में भ्रमण करथन ओकर प्रति अपन लगाव रखथन और हमला देखते हमार भावना के संप्रेषण होते
तो उहु मन जानते कि ये मालिक की मेहनत लगे है तो महु है एमा अपन अन्न ल उपजा के देव। ये मूल मंत्र योगी खेती के और मैं पूर्व में भी यहाँ के व्याख्यान सुन चुके हूँ। तो हमला अपन फसल के भी निरंतर निगरानी और निरंतर खेत के रखवाली के भाव लेकर के जाना चाहिए फसल के बीच में, और वही आध्यात्मिक चिंतन से उनका अपन भावना से जोड़ना है। तो वो फसल आप लोग कभी घाटा नहीं दे, वो खेत कभी आप लोग नुकसान नहीं दे, आप बिल्कुल महसूस करे हुआ मुँह ही पानी खेत देखे पड़ते। तो इसने निगरानी फसल के करना पड़ी। कीटनाशी में रासायनिक रासायनिक खाद भी उतने यह नहीं गड़बड़, सिर्फ यूरिया और यूरिया के प्रयोग ज्यादा करे में ही फसल में और जमीन में नुकसान होते। उत्पादन बढ़ावा लेकिन कम से कम यूरिया के प्रयोग हो, और ओकर लिए गोवंशी खाद, वर्मी खाद, जैविक खाद ये का प्रयोग हो। समझ ज्यादा ही हाँ अच्छा ठीक। तो मैं चाहूंगा कि आपको जैविक कीटनाशी के बारे में बताऊं। मैंने उसका प्रयोग भी किया है, एक किसान विपर तराई का है वो उसका बिल्कुल फैन है। 5 कड़वी पत्ती वाले पौधे के 1-1 किलो पत्ती ले लीजिए आप। आंख, नीम, कनेर, धतूरा और भी हो सकते हैं उसमें, मैं लिखा हूं तो 5 से कम 5 कड़वी पत्ती, बेसरम है, गोंदा, इंकर 1-1 किलो पत्ती कलेक्ट करा, ओका एक 30 लीटर के डब्बा में सड़ो देवा, ओमा गोमूत्र भी डाल दो 5 लीटर, ओहर 30 से 35 दिन में फसल जैसे हम रोपाई करते हैं तबे से हम उनको बनाना शुरू कर दीजिए। जौन दिन थरहा छींचा थन तो ने दिन ले हमारे 21 दिन में रोपा लगते, एक हफ्ता बाद 30 दिन हो जाते तो वो 30-35 दिन में सड़ गल के वो पूरा पनियर डंडा रोज हिलायल पड़ी और ढक्कन बंद कर दो, वैसे कुंटा कुंटा जगह में घर के रखना चाहिए। वो ओला फिर हमन पूरा सड़ गल के जाते तो छान लेवा, छाने के बाद ओमा के 1 लीटर हर तोहर 1 एकड़ पर और हो जाएगी। और वो जैविक कीटनाशक है एमा बिल्कुल प्रमाणित है कि तना छेदक और माहो कंट्रोल हो है। हम अनन समय के पूर्व यदि डाली कोई भी चीज जैसे गोमूत्र के बात है ये जैविक कीटनाशी है तब वो बहुत लाभ दे सकते है। और आप मन का ये जो जैविक कीटनाशक की बात में रखें और आपके पूर्व वक्ता मन के द्वारा भी जो बात रखे गए आप चिंतन करा। अभी आगे भी वक्ता अभी बचे हैं, मैं आज के आयोजक संस्था ला एक कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और उनका आभार प्रदर्शन करते हुए जन्मों का बोले के अवसर दिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद भ्राता जी का, आपके द्वारा बोला गया एक एक कथन सराहनीय है। इन्होंने जैसा दोगे वैसा मिलेगा का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, नैतिक और आर्थिक मूल्यों के द्वारा कैसे खेती करनी है उसके बारे में बताया। अब इसके आगे मैं इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बीके छाया दीदी जी को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, शाश्वत यौगिक खेती के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे छाया दीदी जी का। ओम शांति। वैसे खेती का अनुभव मुझे नहीं है, शाश्वत योगी खेती के बारे में राम सेवक भाई आपको बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर आज विशेष किसान दिवस के उपलक्ष में आप सबको हम लोगों ने यहाँ निमंत्रण दिया। हम सबकी ये भावना है कि आप सब हमारे किसान भाई जो अन्नदाता है, त्याग तपस्या सेवा, अगर देखें किसान को हम कृषि कहते, कृषि और ऋषि में वैसे कोई खास अंतर नहीं है। जैसे ऋषि जो होते हैं वो भी त्याग तपस्या और सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते, वो भी अपने लिए नहीं जीते, वो अपने त्याग तपस्या से विश्व कल्याण की भावना से सारे विश्व में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन को सेवा के प्रति समर्पित करते।
ऐसी त्याग तपस्या सेवा का भाव हमारे कृषि भाई बहनों में भी बहुत रहता है, क्योंकि कृषि भाई बहने न सर्दी देखते, न गर्मी देखते, न धूप न ठंड देखते। आप देखेंगे हर मौसम में, जहां हम लोग घर के अंदर सर्दियों में बाहर नहीं निकलेंगे या बारिश में बाहर नहीं निकलेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, और वहीं ऐसी कड़ी तपस्या जैसे कठिन मेहनत जो है ऐसे मौसमों में हमारे कृषि भाई बहन करते। और हम वैसे तो देखें आज हमारे घर में जो हमारी थाली में अन्न आता है, इनकी सबकी कठिन मेहनत और परिश्रम के साथ ही हमारे घर में ये अनाज पहुँचता है। तो हमारे एक दिल का उद्गार और एक भावना थी कि हम अपने किसान भाई बहनों का विशेष दिल से यहाँ ईश्वरीय परिवार के द्वारा सम्मान और स्वागत करें। किसान एक जो धरती पर बीज बोता है और उस बीज बोने का एक समय होता है, आप लोग इसके ज़्यादा अनुभवी हैं मेरे से, कि आप 3-4 महीने मेहनत करते हैं और उसके बाद साल भर उसके फल खाते। ऐसे ही हम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ संकल्पों का बीज बोना सिखा रहे, कि अगर हम अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों का अगर बीज अभी बोएंगे तो उसका फल हम कई जन्म तक प्राप्त करते हैं। अगर आप जिस प्रकार से आज धरती में अनाज जैसा बो रहे हैं, अगर सड़ा हुआ अनाज बीज बोएंगे तो फसल भी सड़ी हुई निकलेगी, लेकिन अच्छा बीज बोएंगे तो फसल भी अच्छी निकलेगी। और फसल कैसे हरी भरी रहेगी उसके लिए आपको कौन सी विधि अपनानी चाहिए, वो जैविक विधि तो अभी आपको हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे भाइयों ने आप सबको बताया। अभी हम श्रेष्ठ कर्मों का बीज कैसे बोए, एक एग्जाम्पल के रूप में, पहले के लोग जब खेती करने के लिए जाया करते थे तो धरती माँ को बिना चरण स्पर्श किए वहाँ पैर नहीं रखते थे, चप्पल पहन के नहीं जाते थे। किसान भाई होते थे पहले धरती माँ को चरण स्पर्श करके और वहाँ पर एक पूजा की रीति से वो खेती किया करते थे। आजकल हमारे किसान भाई भी कई प्रकार के मार्गदर्शन में, भटकाओं में आ जाते हैं, तो कई व्यसनों के शिकार बन जाते हैं या कई और प्रलोभनों के शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण आज उनके संस्कारों में जो वैल्यूज की कमी दिखाई दे रही है या आध्यात्मिक शक्ति की कमी दिखाई दे रही है या सकारात्मक ऊर्जा की जो कमी दिखाई दे रही है, जिसके कारण वो धरती के प्रति या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जिसमें हम अनाज बो रहे हैं उस धरती के प्रति वो भावना हमारी नहीं दिखाई देती। प्रकृति हमारी विचारों की संवेदनाओं को रिसीव करती है। इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं जिसमें उन्होंने देखा भी है कि अगर आप जो विचारों के तरंग बार बार जो जिस प्रकार के विचार मन में लाते रहते हैं या जिस प्रकार के विचारों से आप जहाँ पर रहते हैं या भोजन बनाते हैं या जो कर्म करते हैं वहाँ का वातावरण वैसा ही बनता जाता है। ये धरती भी माँ हमारे विचारों को क्या करती है, रिसीव करती है। अब हम वहाँ जाकर तंबाकू गुटखा खाकर उसी धरती पर थूक भी रहे हैं और वहीं पर ही हम अनाज भी बो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम नकारात्मक विचारों से एकदम भरे हुए हैं और टेंशन और दुखी हैं, परेशान हैं, और उसी वातावरण में, उसी विचारों में जब हम बीजारोपण कर रहे हैं तो हमारे विचारों का प्रभाव उसके ऊपर, बीज के ऊपर उन विचारों का प्रभाव भी पड़ता है। तो पहले के लोग क्या करते थे, बीज बोने से पहले उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। आप सब करते होंगे, पहले तो ये विधि होती थी कि आप पहले अनाज का बीज धरती में बोने से पहले उसकी पूजा करते थे या देवी देवता के रूप में, इष्ट के रूप में आवाहन करके, और उसके बाद उसको विधि से स्थापित किया करते थे। तो उसमें एक ईश्वरीय शक्ति भी आ जाती थी, और एक तो हम जैविक खाद भी उपयोग कर रहे थे, दूसरा हम ईश्वरीय शक्ति का भी उपयोग कर रहे थे, फिर हमारी शुद्ध भावना विचार उसमें वो भी चीज डाल रहे थे, जिसके कारण इतनी सारी ये जो बातें हमने सुनी वो सब बातों का प्रभाव हमारे इस खेती पर भी नहीं आता था। और हमारा जीवन, कृषि जीवन तो वास्तव में एक ठाट बाट का जीवन कहा जाता था कि 4 महीना मेहनत करो फिर साल भर बैठ के आराम से खाओ। सबसे सर्वोत्तम धंधा माना गया था कृषि का, और उसके बाद दूसरे धंधे माने गए, लेकिन आज हो गया कृषि का दर्जा सबसे पीछे, नौकरी को मान लिया ऊपर, जबकि नौकरी माना तो नौकर बनना है, और कृषि तो मालिक होता है अपनी जमीन का, खेत का मालिक होता है,
पर मालिक की हालत आज ऐसी कमजोर क्यों है? जब हम किसान शब्द बोलते हैं तो किसान को ये बात याद रखना चाहिए कि मुझे किस शान में रहना है, किस शान। तो आप किस शान में रहते हैं? आप अपनी शान और अपनी पहचान को जब खो देते हैं कि मैं कौन हूँ, जब आप अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं, अपनी शान को भूल जाते हैं। जब व्यक्ति आपको अपनी ही पहचान नहीं है तो अपना स्वमान कहाँ से रहेगा? हमारा स्वमान क्या है, मैं कौन हूँ? एक तो पहला प्रश्न ये हर एक के सामने है कि मैं कौन हूँ। जब भी ये मैं कौन का प्रश्न आता है, हम बाहरी परिचय अपना देते हैं, शरीर का नाम, रूप, पद, पोजीशन, जाति, धर्म का परिचय देने लगते हैं। लेकिन ये तो सब शरीर में आने के बाद का परिचय, जो लोगों ने मुझे बताया है वो मेरा बाहरी परिचय है, लेकिन मेरा वास्तविक परिचय क्या है? शरीर तो हड्डी मांस का है, शरीर में कोई शक्ति चैतन्य है तब ये शरीर जीवित कहला रहा है, और वही शक्ति निकल जाए तो शरीर में कुछ भी नहीं, हड्डी और मांस का एक पुतला बस है। तो वो शक्ति जो अंदर में विराजमान है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं आत्मा, तो ये आत्मा जो चैतन्य हम सब के मस्तक पर विराजमान है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, एक सूक्ष्म ज्योति तत्व है। और वो ज्योति तत्व, आत्मा तत्व, अलौकिक तत्व है, जिसके अंदर शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये सातों चीजें सम्मिलित है। जैसे शरीर पंचभूत तत्वों से बना है, ऐसी आत्मा इन सात गुणों से बनी हुई। जब हम अपने ही मूल गुण को भूल गए हैं, तब हम अपनी असली पहचान को भी भूल गए हैं, और हम अपनी सच्ची शान को भी भूल गए हैं। और जब हम अपनी सच्ची शान ही भूल गए हैं, इसीलिए हम परेशान हो गए। तो परेशानी से अगर मुक्त होना है तो अपने असली शान में आना पड़ेगा कि हमारी असली शान और पहचान क्या है, कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। अगर हम अपने मूल गुण को धारण करके अगर जीवन के हर कर्म में, हर क्षेत्र में जाएंगे, तो हमारे हर कर्म का बीज अच्छा होगा। आप देखिए व्यक्ति, आप लोगों ने यह उदाहरण कई बार सुना भी होगा कि तीन व्यक्ति मंदिर बनाने का कार्य कर रहे थे। एक जो था पत्थर जमीन पर बैठकर फोड़ने का काम कर रहा था, कारीगरी का काम कर रहा था। एक मंदिर के बीच में चढ़कर पत्थर को फोड़कर कारीगरी का काम कर रहा था। तीसरा वो मंदिर के सबसे टॉप में बैठकर पत्थर को उसके ऊपर कारीगरी करने का काम कर रहा था। उधर से गुजरते हुए संत ने तीनों से एक ही प्रश्न पूछा, नीचे जो काम करने वाले से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने झंझला के बोला, दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? मैं अपने कर्म के पत्थर फोड़ रहा हूं। फिर यही प्रश्न उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि इस पापी पेट के लिए मेहनत कर रहा हूं। तीसरे व्यक्ति से भी यही प्रश्न पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ऊपर चढ़ के? तो उसने कहा कि मेरे इन हाथों का भाग्य है जो भगवान के मंदिर बनाने का कार्य कर रहे। तो आप देखिए व्यक्ति के तीनों के कर्म तो एक ही थे, लेकिन भावना और विचार अलग अलग थे। तो कर्म का फल भी क्या होगा? अलग अलग। आप जब खेती कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप उस कर्म को करते हुए आपकी भावना क्या है उसके प्रति? चाहे हम छोटा सा भी कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावना अगर ऊंची होती है तो कर्म का फल भी क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। इसीलिए आप ये नहीं सोचिए कि हम किसानी का काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी मेहनत का काम है, इससे तो फायदा कुछ नहीं है। पर आपको बहुत फायदा है, क्योंकि जब आप अन्न बोते हैं और अन्न को लाकर अनाज जब बेचते भी हैं, तो आप वो अन्न किस भावना से बो रहे हैं, किस विधि से बो रहे हैं, और दूसरा उसमें जो चीज जैविक खाद या हम एक अच्छे विचारों के कर्मों का भावना से अगर बोते हैं, तो वो जो अन्न अनाज का दाना जब किसी के पेट में जा रहा है तो वो आपको दुआ दे रहा है। लेकिन अगर वो कीटनाशक चीजों से, माना रसायनिक चीजों का उपयोग करके किया जा रहा है, या एक मनोविचार की स्थिति ठीक नहीं, अगर वैसी भावनाओं में किया जा रहा है, तो वो विचारों का प्रभाव भी अन्न के ऊपर आ रहा है, और जो खा रहा है और उसको जो बीमारी हो रही है, चाहे शारीरिक या मानसिक, उसका दोष भी हमारे ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि कर्म का बीज मैंने ही बोया था, जिसका फल उसको भी भोगना पड़ रहा है, और उसको जो भोगना पड़ रहा है वो मुझे भी कई गुना होके मिलेगा ना। इसलिए व्यक्ति को कर्म का बीज बोते समय
इस बात का जरूर हमको ध्यान रखना है कि हम जब बीज बो रहे हैं तो हमारी भावना विचार कैसे हो। हमारी दादी जी कहते थे, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, कि अगर किसी का दिल जीतना हो तो दिल से, भावना से, अन्न प्यार से भोजन बनाकर खिलाओ तो आप उसका दिल जीत सकते हो। और आप किसान भाई तो सबके दिलों में विराजमान है, क्योंकि आप अन्नदाता है। अगर आप अन्नदाता अन्न ना उत्पादन करें तो विश्व खाएगा क्या? पैसा तो नहीं खाएगा, पत्थर तो नहीं खाएगा। तो आप सबकी मेहनत हम सबको जीवन दान देती है। तो आप मामूली नहीं है, आप बहुत महान है, और आपका कार्य भी बहुत महान है। और आप साधारण नहीं है, आप बहुत विशेष है सृष्टि पर, क्योंकि आप सब इस सृष्टि के रचयिता का काम कर रहे हैं, मास्टर रचयिता का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबको अब ये जो विधि नई सिखाई जा रही है, अभी तक हम कई प्रलोभनों के कारण विषैली चीजों का अपने खेती में प्रयोग करने लगे, पर नुकसान अब हम ही को भोगना पड़ रहा है। अब क्यों ना हम वापस अपनी जैविक खेती की तरफ, सात्वत खेती की तरफ, यौगिक खेती की तरफ हम अपना रास्ता अपनाएं। और इस रास्ते को जब हम अपनाएंगे तो इससे हमको भी लाभ होगा, हमारे जीवन में भी सुख शांति आएगी। और सबसे बड़ी कमाई होती है दुआओं की कमाई। व्यक्ति पैसा बहुत कमा ले, लेकिन चैन की नींद बिना दुआओं के नहीं कमा सकता। दवाई खाकर भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप अगर दुआएं कमाएंगे तो चैन की नींद जरूर सो पाएंगे। इसलिए आप सब मेहनत करने वाली आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, ईश्वर की संतान हैं। तो अब उस पिता के साथ भी जुड़े। हमारे वहां जो यौगिक खेती बताई जाती है उसमें हम बताते हैं कि जैसे आत्मा बीज है, वैसे आत्मा का पिता परमात्मा भी बीज ज्योति स्वरूप है, जिसे हम शिव कहकर याद करते हैं। वो हम परम पिता के हम सब बच्चे। अब जब हम उस परमात्मा से, जबकि हमारी आत्मा की भी ताकत कम हो गई है, प्रकृति की भी ताकत कम हो गई है, धरती के बीज की भी ताकत कम हो गई है, तो हम सब में ताकत देने वाला कौन है? वो परमात्मा, इस सारी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज वो है। जब हम सब उस एक को याद करेंगे तो हमारे में भी ताकत आएगी और हमारी प्रकृति में भी फिर से वो ताकत आ जाएगी, जिससे ये सब दवाइयों का खर्चा आप सबका बच जाएगा। तो आप सब किसान भाई बहनों को हमारी ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, और आप सबके इस महान कार्य के लिए सत सत आप सभी को नमन है। और हमारे अतिथियों को भी बहुत बहुत, अपनी जैविक खेती के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट शांति का अनुभव करेंगे। आप सब यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य ये भी है कि आप सब इस यौगिक और जैविक खेती के प्रति जागरूक भी हों, और साथ में उस परम पिता परमात्मा से भी, उस बीज, सारी सृष्टि के बीज से भी अपना संबंध जोड़कर अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति को फिर से बढ़ाएं, जिससे आप बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं। कभी भी जीवन में हिम्मत ही नहीं होंगे अगर उस परमात्मा का साथ अपने जीवन में लेकर चलेंगे। तो अभी हम 2 मिनट शांति के साथ बैठेंगे। आप सभी से अनुरोध है थोड़ी देर के लिए मन को सभी बातों से विराम करके मन को शांत करें, रिलैक्स हो जाए। सारा दिन हम इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, देह संबंध व्यवहार निभाते हैं, सभी के लिए समय निकालते हैं। कुछ समय हम अपने लिए निकालें, क्योंकि भीतर की शांति ही अंतर की आवाज है। हम अपने भीतर की ओर झांके कि शरीर के मस्तक के बीच एक दिव्य ज्योति चमक रही है, और ये दिव्य ज्योति मैं एक चैतन्य शक्ति स्वरूप आत्मा की है। शरीर तो इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर पाठ बजाने के लिए मिला है, लेकिन मैं इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने वाली एक अविनाशी सत्ता हूं। इस जीवन में मैं जो कर्मों का बीज बोऊंगा,
जिस भावना से, जिस विचार से, व्यवहार और कर्म में आऊंगा, उन कर्मों का बीज फल इस जन्म में और कई जन्म तक भी मुझे ही भोगना होगा। इसलिए मुझे आज जो अपने कर्मों का बीज बोना है, वो शुभ और श्रेष्ठ कल्याणमय भावना के साथ करना है। मैं आत्मा ही मन के द्वारा विचार करने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और कर्म करने वाली हूँ। मेरे भीतर शांति है। अपने भीतर की ओर, अपने भीतर की शांति को महसूस करें। मैं अंदर से शांत हूँ जब देह दुनिया की बातों से उपराम हूँ। कर्म भी करना है, लेकिन कर्म के बीच बीच अपने मन के ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है, ताकि मन सदा मेरे नियंत्रण में कार्य करे। मैं शांत और शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं सृष्टि पर शुभ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ, सबको सुख देने के लिए आया हूँ। मेरा कर्म कर्तव्य, चाहे वो किसानी का है, परंतु है तो विश्व सेवा के लिए, तो अपना हर छोटा कर्म भी विश्व सेवा प्रति समर्पित भाव से करें। आज से संकल्प लें कि मैं जो भी अपने किसानी का कर्म या जीवन में जो भी कर्म करूंगा, उसे सच्चाई से, ईमानदारी से, सात्विकता से करने का भरपूर प्रयास करते हुए उसी मार्ग पर अग्रसर होता रहूंगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं संतान हूँ, उसकी दुआएं और शक्ति सदा मेरे साथ है। उसका मुझे वरदान है कि मैं सदा विजयी और सफल हूँ, सफलता मूर्त हूँ। यही मन में विचार रखते हुए हर कर्म करें तो जीवन के हर मार्ग में आपको सफलता ही सफलता मिलती हुई अनुभव होगी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद बीके छाया दीदी जी का। इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे सकारात्मक विचार से हम पूरा वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम सभी ने फील किया। तो वैसे भी दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है, नया साल चालू होने वाला है, तो जिस तरीके से हमने अपने दिमाग में जो भी प्रोग्रामिंग सेट की है आगे अपने कार्य को करने के लिए, उस तरीके को चेंज करने के लिए जो बहन जी ने जो भी अभी संकल्प दिए और राजयोग के द्वारा हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, आगे आने वाले नए वर्ष में हम जरूर ये सीखेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अब मैं भ्राता राम सेवक भाई जी को शाश्वत योगी खेती के बारे में विचार प्रकट करने के लिए बुलाऊंगी। कम शब्दों में और इफेक्टिव शब्दों में, दो दो मिनट में भ्राता भाई जी द्वारा उद्बोधन सुनेंगे। तत्पश्चात हमारे रामकुमार भाई जी को सहित भी दो मिनट का उपहार व्यक्त होगा। आपका स्वागत है। ओम शांति। मित्रों कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मिनट दो ही मिनट मिला है, दो मिनट में क्या क्या बोलूं।
चलो ठीक है, हमारे मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ और माननीय महोदय सभी का मेरा नमन और प्रणाम। हमारी दीदी का ओम शांति और हमारे सामने बैठे बहुत प्रिय मित्र कृषक जन, जिसको इनका दर्जा दिया गया है कि किसान भगवान। वैसे इनकी व्याख्या तो बहुत लोगों ने कर दी, हम व्याख्या नहीं करेंगे, टाइम नहीं मेरे पास है ना। तो और एक बात बताई गई कि 700 योगी खेती पर, और दूसरी बात मैं सोचता था कि जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, बस आधा आधा मिनट में ही निपटा देंगे। तो शाश्वत योगिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसको पहले से करते आए हैं। जब घर में बीज बनाया जाता, अपना स्वयं का बीज बनाना, ये भी बहुत लंबा विषय होगा, नहीं खींचूंगा, स्वयं का बीज बनाना यही किसान की विशेषता है। हाइब्रिड बीजों पर मत जाइए, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। स्वयं के बीजों को ही बनाना और स्वयं के बीजों पर ही अपना विश्वास रखना। और स्वयं के बीज जब हमने घर से बकरी से निकाल करके हम बनाते थे तो भगवान की याद में बनाते थे, या जब हम बोने जाते थे तो गौ माता के गोबर की एक भंडारी बना करके उसमें थोड़े बीज अपने गेट के सामने में रखते थे, 5 भंडारी बना करके भगवान की याद में। और जब घर की ग्रह लक्ष्मी या अपनी पत्नी हम कह दें आज के रूप में, ग्रह लक्ष्मी तो बहुत लोग मानते ही नहीं है ना, आगे आगे किसान हल धर के बैला लेके जाता था और पीछे पीछे वो सर पे डलवा में बीज और लोटा में पानी लेके जाती थी, तब खेत के किनारे जाकर के किसान चप्पल जूता उतार करके और बोने वाली भी चप्पल उतार करके बीज को बीच खेत में रखा जाता था तैयारी करने के बाद, और तब नागर आगे नागर चलाता था और बोने वाले बोती थी। लेकिन वो जब वे उतारते थे तब वो पानी उसको दे करके भगवान को याद करके कि हे प्रभु मैं इस बीज को लाया हूं और इसलिए लाया हूं कि इससे अधिक से अधिक अन्न देना और अच्छा अन्न देना, जिससे मेरा भी जीवन चले और विश्व भी इससे पले। इस प्रकार से ये हमारी पुरानी पद्धति है, यही है भगवान की याद करना। लेकिन अभी हमारी दीदी ने बता दिया कि नया एक मेडिटेशन है और वो है कि हम स्वयं को पहचाने, किसान यानी किसान की शान, अर्थात अपने आप को जाने के हाँ है कौन। दीदी ने सब कुछ बता दिया है और उसको जान कर अपने आप आत्मा हूं और अपने परमात्मा प्रभु को यदि जान करके हम उसे याद करें तो उसका फायदा ही बहुत ही मिलेगा, क्योंकि हम तो हवा में तीन भगवान को ऐसे याद कर देते थे, अब भगवान को जानते ही नहीं, भगवान कहाँ रहता है, किस रंग का है, किस रूप का है, बहुत सारे देवता हैं। अब देवता तो हैं, महान तो हैं, लेकिन उनके भी पिता हैं कौन, परमात्मा शिव। जैसे बजरंग बली को, बहुत सारे बजरंग बली को लोग पूछते हैं, लेकिन बजरंग बली किसको पूछते हैं, राम को पूछते हैं, और राम किसको पूछते हैं, रामेश्वरम को पूछते हैं, रामेश्वरम माता शिवलिंग को पूछते हैं। इस प्रकार से ऊंच भगवान कौन है, ये बात पहले अपने आत्मा को समझना, फिर परमात्मा शिव को समझना, और फिर उनसे मेडिटेशन मतलब उनसे योग करना, योग करना मतलब उनकी याद में जाना, और उनकी याद में जाकर के जब हम उस बीज को बोएंगे तब उसका उत्पादन बढ़ जाता है। और वही बीज बोना ही नहीं, बीज बोने के समय भी और उसकी रक्षा करने के समय भी दवाई खातू हेंडे जो भी डालते हैं उसमें सब में भगवान की याद, सबकी भगवान की याद, सब में भगवान की याद। तो वो बीज ही इतना पौष्टिक तत्व मतलब पेड़ निकलेगा कि बहुत अच्छा उत्पादन होगा और उसका जो अन्न होगा बहुत ही पौष्टिक होगा और बहुत ही शुद्ध होगा, जिससे बिल्कुल निरोगी काया होगी। अब ये विषय खत्म करते हैं, हम शाश्वत योगी खेती क्या है समझ गए होंगे। और एक बात विषय ये आता है कि गौ, गौ से उत्पादन जो हमारे माननीय महोदय जी ने बताया, तो गौ गोबर जो है बिल्कुल सही बात है, लेकिन गोबर को एक थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग लगा देना, थोड़ा सा जैविक और तेज बना देना,
क्योंकि एक गाय से एक एकड़ में लगता नहीं कि हो पाएगा, नहीं, लेकिन उसको क्या है कि अपन एक गाय से हम एक एकड़ में बना तो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपन एक दिमाग और लगा देते हैं। क्या अपने रॉ मटेरियल है, कुछ खास बात नहीं है, पुरानी ही बातें हैं, सब लोग बोल दिए हैं, लेकिन उसको बैलेंस में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 10 किलो गोबर, एक टंकी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र और 1 किलो गुड़, बेस्ट गुड़ मतलब खराब, पुराना से पुराना खराब चलेगा, और 1 किलो दाल सड़ी गली हो, जो खराब हो गई हो किसान के यहाँ, उसको पीस ले, और 1 किलो मिट्टी बर या पीपल झाड़ के नीचे की। क्यों बर पीपल झाड़ के नीचे की? क्यों कि वहां पे ऑक्सीजन अधिक होता है, वहां पर जीवाणु बहुत मिलते हैं, और इसको एक ड्रम पानी में घोल लें, अगर पानी घुलता नहीं है तो थोड़ा पानी बढ़ा करके घोल करके दिन भर में एक बार उसे चलाना है, और 15 दिन के अंदर ये इतना ताकतवर बन जाएगा, इतनी जैविक कीटाणु इसमें मित्र कीट पैदा हो जाएंगे कि एक एकड़ के लिए एक टंकी पर्याप्त हो जाएगा। और इससे एक बात भाई जी ने बताया कि उत्पादन हो सकता है पहली बार कम हो, तो हम इसको ऐसा करें कि उत्पादन कम ना हो, अपन इसको फसल लगाने से पहले भी एक बार उसको क्या इसमें लगता है, कितनी लागत कितनी लगती है, हम 2 टंकी 3 टंकी यूज कर लें तो इतना उपजाऊ जमीन हो जाएगी। उसका कारण है केचुआ, इससे जो पैदा होता है ठीक है, केचुआ जो पैदा होता है, एक केचुआ एक दिन में 30 बार ऊपर से नीचे आता है, एक चलनी जैसा जमीन को बना देता है, पत्थर नहीं होने देता है, उपजाऊ मिट्टी बना देता है। और इसमें ये जो जैविक खाद है, करोड़ों अरबों केचुए हो जाते हैं, तो आपके खेत को पूरा चलनी कर देते हैं, आपको जोतने की आवश्यकता नहीं पड़े। 3 टंकी अगर एक एकड़ में डालेंगे एक बार, तो आप देखेंगे लाश से मार देंगे, मिट्टी तो भर से फूट जाएगी, इतना मतलब ये ताकतवर खाद बन जाती है। अब मैं विराम लेता हूं आगे इन बातों से, कि हमें समय का अभाव है, आगे कुछ नहीं कह सकता, और जो मिलना हो आप बाद में बात कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भ्राता जी का। तो भाई जी के पास जो विधि है खेती करने की, उन्होंने जो बनाया है, वो आप बाद में भी प्रिंट में उनसे ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। भ्राता कोसले जी, 2 मिनट के लिए आपके लिए कुछ ज्ञानवर्धक बातें। समय के पाबंदी को देखते हुए, औपचारिकता नहीं करते हुए, जितने भी यहाँ पर मंचासीन हमारे श्रेष्ठ जन हैं और जो साथी हमारे बैठे हैं किसान भाई और बहन, सबको सादर नमन करते हुए, ये जो विषय है उससे हट के मैं थोड़ा बात करूंगा। किसान, शासन और प्रशासन, ये एक ही गाड़ी के पहलू हैं। जब तक ये तीनों जैसे घड़ी में होता है, सेकंड कांटा, मिनट कांटा, घंटा कांटा, उसी प्रकार से किसान का सहयोग शासन करे और प्रशासन करे, जब तीनों का मेल हो जाएगा तो जितने प्रकार की समस्याएं हैं सब हल होगा। जैसे अभी भाइयों ने बताया, नरवा गरुआ घुरुआ बारी, सच्चा किसान की यही चिन्हारी, सचमुच में हम लोगों के लिए जरूरी है। अब उसमें नहीं जाते, घुरुआ रहेगा तभी खाद बनेगा जी, और नरवा रहेगा तो जो वर्षा वाले पानी हो रुकेगा, नरवा को बांध देंगे तो हमारे पानी का जल स्रोत बना रहेगा, और गरुआ रहेगा तो उससे गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा,
और हमको शुद्ध दूध दही घी मिलेगा, आज वही तो नहीं मिल रहे जिसके कारण बीमार पड़ रहे। और बारी रहेगा तो वहां पर अपने गोबर खाद से साग भाजी सब पैदा करेंगे तो सुचित खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये तीनों का तालमेल जरूरी है। अब अभी क्या हो गया, गरुआ कब रखेंगे, उसके टहलने के लिए चरने के लिए थोड़ा बहुत जगह चाहिए। शासन इसमें हमको मदद नहीं कर रहा है, माने शासन ये नहीं चाहता कि आप गरुआ रखो गौ रखो, वो बेजा कब्जा हो गया। दूसरे नंबर के बाद कोला बारी, पूरा पेड़ पौधे जंगल कट जाए तो बेंदरा आ गए गांव गांव, तो बेंदरा के मारे नहीं बांचा है कोला बारी रे, मतलब साग भाजी और पहली तीली राहेर तीवरा मसूरी बटर सब प्रकार के उत्पादन किसान करत रहे, कुछ बिसाए के जरूरत नहीं पड़े तो ही बिसाव है तो नून और माटी तेल दो चीज बिसाव है, हमारे सियान मन बताए दुए चीज बिसाए पर थे बाबू नून और माटी तेल। आवाज नहीं बांचा है कोला बारी हो गए, तो एक तो शासन ने हमको पस्त कर दिया, अब प्रशासन को तो फिर हर जगह वही दिखता है। तो साथियों ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहूंगा, ये जो यहां पर गोष्ठी हो रहा है, किसान का गोष्ठी हो रहा है, ये बात शासन और प्रशासन तक पहुंचना चाहिए। जब तक के तीनों का तालमेल नहीं होगा तो ये कार्यक्रम में जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर की बात, जैसे यौगिक जैविक खेती की बात हो रहा है तो इसके समूचा पहले प्रशिक्षण हो, जानकारी हो प्रत्येक किसान को। दूसरे नंबर के बाद शासन इसमें ये प्रोत्साहन दे कि जो यौगिक खेती करेगा, यौगिक खेती से उत्पन्न अनाज को सामान्य अनाज से हम डबल कीमत में लेंगे। कौन नहीं करेगी यौगिक खेती बताओ, शुरुआत तो होने दो, जब शुरुआत होगा तो सब कोई उसी में लग जाएंगे। ये जोरा पारा में बिरजय राम सिंगरौल किसान है, वो केचुआ पालन भी करते हैं, केचुआ से खाद भी बनाता है और जैविक खेती भी करता है। वो बता रहे थे कि मेरा जो सुगंधित धान है, दुबराज हो चाहे ये चिमटी हो चाहे विष्णु भोग हो, बाजार में जो बिकता है उसे डबल रेट में बेचता हूं और मेरे घर से ले जाते हैं बोले। तो इसके लिए तीनों का सहयोग जरूरी है, जो भी गोष्ठी हो रहे हो शासन तक पहुंचे। कहा जाता है भाई गौ पालन में का शर्म, कोनो लाज नहीं लगे भैया, गौ पालन और खेती करे में का के शर्म और का के हमला लाज। गौ पालन करके खेती कर ले भैया, मिले है मौका आज। और दूसरा नंबर के बाद काम हमन ठीक से करबो, कहा जाता है कर्म तेरे अच्छे हैं तब तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरे सच्चे है तो घर में मथुरा काशी है। दो मिनट हो गए, बहन जी देख रहे हैं, सबको नमस्कार। अच्छे उद्गार व्यक्त किए, गौ पालन से खेती कर ले भैया, मिले है मौका आज, मिले है मौका आज। अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं बीके छाया दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे जो महोदय माननीय मुख्य अतिथियों का सौगात के द्वारा, ईश्वरीय सौगात के द्वारा भेंट करें। सर्वप्रथम मैं बीके बहनों से अनुरोध है कि ईश्वरीय सौगात स्टेज में लाई जाए। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करती हूँ कि माननीय महोदय धीरज मुदलियार भाई जी का बीके छाया दीदी द्वारा ईश्वरीय सौगात और सॉल से स्वागत किया जाए। तालियों में फिर कमी है, माना प्रोग्राम का अंतिम चरण है, रूपरेखा है।
जिस तरीके से आपने शुरुआत में जोश दिखाया था, बस थोड़ा ही समय और है, तालियां बजती रहनी चाहिए। अतिथि देवो भव। म्यूजिक की ताल से ताल मिलाकर तालियां बजनी चाहिए सभी की। तत्पश्चात माननीय महोदय भ्राता राकेश खोसली जी का भ्राता गौरी शंकर जी हमारे सभी माननीय अतिथियों का स्वागत बीके छाया दीदी जी के द्वारा ईश्वरी स्वागत और सॉल भेज करके किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मेरे बोले बिना। ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में जिस तरह से परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को हमने फील किया है, ऐसे ही अभी भी परमपिता परमात्मा शिव की उपस्थिति फील हो रही है। सारे मुख्य अतिथि शिव स्वागत प्राप्त कर रहे हैं। माननीय महोदय भ्राता राकेश भोसले जी का माना म्यूजिक बंद हो गया है, लास्ट सौगात बाकी है, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके तालियों के शोर से म्यूजिक अपने आप चालू हो गया। मैं भ्राता रवि गोपाल भाई जी का भी अनुरोध करती हूँ कि स्टेज में आके ईश्वरीय स्वागत ग्रहण करें। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में हमारा मुख्य उद्देश्य ही था कि किसान भाइयों का सम्मान करना है, तो यहाँ मुख्य अतिथियों के साथ सभी हमारे अतिथि हैं। इसके पश्चात सारे किसान भाइयों का ईश्वरीय स्वागत से स्वागत किया जाएगा। मैं एक एक करके नाम लेते जाऊंगी, एक एक करके भाई आकर के स्टेज में बहन जी द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। पहले म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर। सामान्य अतिथियों ने इतना समय हमारे लिए दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, और आप सब भाइयों का भी
और परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद। अभी आप सब एक एक करके नाम यहाँ बहन लेती जाएगी, आप सब यहाँ आएंगे, हमारे अतिथियों के द्वारा भी आप सबका सम्मान किया जाएगा। तत्पश्चात बद्री प्रसाद भाई जी तैयार रहेंगे। बद्री प्रसाद भाई जी के बाद बिंदा प्रसाद कर्स भाई जी, आप सभी स्टेज में आकर अपनी सौगात प्राप्त करें। वाह वाह के गीत बज रहे हैं, कभी कभी कुछ बोले बिना ही गीतों के माध्यम से आप उन विचारों को अपने अंदर ग्रहण करें। तो आज के प्रोग्राम के संपन्नता में परमपिता परमात्मा शिव ने भी वाह वाह के गीत बजाए। देखिए गीत अपने आप ही बज रहा है। बिंदा प्रसाद भाई जी के बाद सतराम कौशिक भाई जी तैयार रहेंगे। सतराम कौशिक सुरेंद्र कौशिक भाई जी यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों में आटा, यूं ही नहीं मिल जाता दुकानों में आटा, कि किसी किसान ने तपती धूप में गेहूं था काटा। आज किसान दिवस में सभी किसान भाइयों का सम्मान सराहनीय है। अनिल कर्स भाई जी भी तैयार रहेंगे। तिरारू राम कर्स भाई जी, कान्हा कर्स भाई जी, दिलेश्वर कौशिक भाई जी, दिलेश्वर कौशिक भाई जी के बाद राकेश कुमार भाई जी, सत कुमार भाई जी, सत कुमार भाई जी, सत कुमार कुर्रे भाई जी, कीर्तन पटेल भाई जी, सभी आते जाएंगे स्टेज में। जागेंद्र पटेल भाई जी, जो भी बचे हुए हैं आप अपने आप लाइन में आते जाएंगे। मैं एक बार नाम भी लेते जा रही हूँ, लेकिन आप सारे लाइन में आते जाएंगे। राम दुलाल सूर्यवंशी भाई जी, जितने बचे हैं आप सारे आ जाइए। भरत लाल सूर्यवंशी भाई जी, लक्ष्मी प्रसाद कौशिक भाई जी, गौरी शंकर कौशिक भाई जी, राम कुमार कौशिक भाई जी, आज
के सम्मेलन का उद्देश्य जय जवान जय किसान यही है हमारे देश की शान। और जो भी भाई जिन्होंने सौगात प्राप्त नहीं की है वो स्टेज में आ जाएंगे। आ जाइए, सभी का हो गया, जो जो बचे हैं सब आ जाइए। हिमांशु भाई जी, चिलचिलाते धूप में भी तेरे कदम नहीं रुकते, तो सम्मान लेने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए स्टेज में। हमारे बीके राम सेवक भाई जी स्टेज में आएंगे। किसानी में राम सेवक भाई के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा हमेशा ही सक्सेसफुल रहता है, इसलिए राम सेवक भाई को हम सब भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बहने और माताएं सब तो दिल से सभी किसान है, बोलते सभी खेती कर रहे। राजेंद्र दादाजी, आ जाइए भाई। करसन दादाजी, सभी का हो गया। प्रोग्राम के अंत में मैं एक बार पुनः छाया दीदी जी को हमारी सब
जिसकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम सफल रहा। आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी शोभा रही। आप सब हमारे अतिथि बनकर पधारे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी किसान भाई बहनों का और हमारे जो भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी बने, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब यहाँ जो भी किसान भाई या जो भी हमारे अतिथि आए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सब यहाँ ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर जरूर राजयोग की शिक्षा प्राप्त करें। राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें हम परमात्मा को याद अंतर मन से करते हैं, अंतरात्मा से करते हैं, जिससे हम परमात्मा से सहज ही उसकी शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारी समस्याओं से पहले ही मुक्त हो सकते हैं। तो आप सभी साथियों के लिए 7 डे का यहाँ निःशुल्क कोर्स सुबह और शाम के समय होता है। आपके जो भी नज़दीकी सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी के हों, वहाँ जाकर आप राजयोग का कोर्स 5-7 दिन का ये कोर्स है, आधा घंटा अपने लिए निकाल कर अवश्य करें। कई बार हम मेडिटेशन सीखने के लिए लोगों को कहते हैं तो कहते हैं टाइम कहाँ है बहन जी, टाइम ही नहीं है। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाकर फिर इसका अंत करूँगी कि एक बार एक लकड़हारा था, रोज लकड़ियाँ काटता था। बहुत सारी लकड़ी काट कर अपने जो मालिक था उसको लेकर ला कर देता था। तो उसके सेठ जी हमेशा उससे खुश रहा करते थे कि एक दिन में तुम 15-20 पेड़ की लकड़ियाँ काट कर ले आते हो करके। अब कुछ दिन के लिए सेठ जी बाहर चले गए। करीब महीना भर के बाद जब वापस आए और उस लकड़हारे से पूछा, आज तुमने कितना पेड़ काटा? तो कहा 6-7 ही पेड़ काट रहा हूँ। तो बोले क्यों, आजकल मेहनत कम करते हो क्या? तो बोले मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूँ। बोले सो जाते होगे बीच में काटते काटते, रुक जाते होगे? बोले नहीं, मैं तो पूरी जितने बजे से यहाँ आता हूँ तब से मैं पेड़ काटता रहता हूँ। पता नहीं, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि पहले मैं एक दिन में 15-20 पेड़ काट लेता था और आजकल तो मैं केवल 6-7 ही काट पा रहा हूँ। तो सेठ जी ने प्रश्न पूछा, कुल्हाड़ी को धार किया था? तो कहा कुल्हाड़ी धार करने के लिए टाइम कहाँ था? तो सारा कार्य तो शरीर के द्वारा करने वाली आत्मा है और हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कहते हैं टाइम ही नहीं है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए टाइम ही नहीं है कहते हैं। तो जिंदगी भर मेहनत ही करते रहेंगे पर फल उतना नहीं मिलेगा। कम मेहनत में अगर फल ज्यादा लेना है तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना है और इस मेडिटेशन कोर्स को जरूर करना। और ये यहाँ पूर्णतः निःशुल्क कोर्स होता है, सुबह और शाम के समय 1 घंटा आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए। ये आपको जीवन पर्यंत आत्मिक रूप से भी उन्नति को प्रदान करेगा और जीवन में सहज सफलता सुख शांति आपके जीवन में लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे भैया आए हैं क्योंकि आप सबको पता है अयोध्या में भी अब राम मंदिर की कंप्लीट होने वाला है और वहाँ श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी को होने वाली है। तो उसके उपलक्ष्य में अपने पूरे बिलासपुर क्षेत्र में आसपास सभी क्षेत्रों में उसकी रैलियाँ व कलश स्थापना की जा रही है। तो हमारे बीच हमारे भैया आए थे और उन्होंने अनुरोध किया कि हम ये रैली यहाँ पर निकालेंगे छोटी सी, तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हों। तो आप लोगों को ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं, तो मैं उनसे करूँ अनुरोध करूँगी कि वो आकर आप सबको निमंत्रण भी दे दो। आप अपना परिचय भी यहाँ पे दिखाइए। आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ और उपस्थित किसान भाई, हमारी छाया दीदी और बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रविन्द्र नाथ गोपाल है, मैं रतनपुर का निवासी हूँ, आसमा सिटी में रहता हूँ। मैं जैसे दीदी ने बोला जय जवान जय किसान, किसान से भी पहले जवान आता है, तो मैं फौज का रिटायर कैप्टन हूँ। ये बात बहुत अच्छी खुशी लगी मेरे को, जय जवान जय किसान उसका पूर्ण रूप एक होता है ना, माला होता है पूरा 360 घूम के हो जाता है। इस प्रोग्राम का सभी लोग आ गए, हमारे किसान भी आ गए, जवान भी आ गए और हमारे श्रेष्ठ लोग भी आ गए, सभी लोग आ गए। इसी क्रम में मैं रिटायर होने के बाद मेरा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। मैं 1988 से मैं ओम शांति से बिलोंग करता हूँ, मेरे बाबा जी मेरे गुरुदेव हैं। और सचिन देशम जाने के बाद मेरे को यहाँ पर योग से मैं थोड़ा दुनिया बन गई, फिर भी मैं लगा रहा। आज उसी आध्यात्मिक रूप में जो आत्मा बोलते हैं ना, फर्स्ट आत्मा है फिर परमात्मा है,
तो मैं अभी देश की सेवा करने के बाद अभी धार्मिक सामाजिक कार्य में जुटा हुआ हूँ रिटायर होने के बाद। तो उसी क्रम में 22 जनवरी को अयोध्या जी में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है, सबको मालूम है। हमने दक्षिण उपनगर का कार्यभार मुझे मिला हुआ है, जिसमें यहाँ उसलापुर से पूरा सकरी तक आसमा लाइफ आसमा सिटी है, रामा लाइफ है, नेचर सिटी है, दीदी लोग है और गायत्री परिवार है। इस सबको कल हमारा एक छोटी सी रैली निकलेगी जो हनुमान मंदिर 36 माल के बगल में हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहाँ कलश ले आए हैं और वो कलश वहाँ से निकल के अटल आवास आपके सामने बगल में अटल आवास है वहाँ तक जाएगी। तो सभी से मैं निवेदन करूँगा उस रैली में, श्री राम की रैली में, उस कलश की रैली में आप लोग सभी आमंत्रित हैं, आए और हम यहीं से योगदान दें। जिस तरह दीपावली मनाते हैं अपने घर में, हम उसी दिन दीपावली मनाएं जिस दिन 22 जनवरी है। उस दिन कम से कम पांच दीप अपने घर में जलाएं और जहां मंदिर है, जहां कलश है, वहां 5 दीप दान कर दें। बस समय नहीं है, मैं ये बोलने के लिए आया हूं आप लोगों से। धन्यवाद। हाँ, टाइम कल दोपहर में 1:30 में रखा है, लेकिन 2 बजे से शुरू होगा। रैली सब हमारे यही ब्रह्म कुमारी प्रजापिता की जो संस्था है सामने में है, यहीं से रैली स्टार्ट होगा, पैदल वाली रैली, और वहां से हमने कार रैली लेकर यहां तक आएंगे। यहां से कलश को लेकर भव्यता से हम लोग सबके साथ जाएंगे। तो आप लोग सब जुड़े, ये मेरा निवेदन है, आग्रह है। धन्यवाद। जैसा भैया ने कहा 5 दीप दान करना है, तो अब ये दीप केवल स्थूल रूप में ही ना रहे, पर हम अपनी आत्मा का दीपक जलाकर सचमुच सच्चा राम राज्य लाने की जो हमारा संकल्प है, जैसे हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरीके से अब राम राज्य लाने का भी संकल्प जरूर हम पूरा करें। इसके लिए हम सब आत्म ज्योति को भी जगाएंगे और उस परमात्मा को याद करेंगे। तो इस कार्यक्रम का अंत हम अभी परमात्मा की याद में 2 मिनट बैठ कर करेंगे, उस परम पिता परमात्मा का 2 मिनट याद। इसके बाद हम ग्रुप फोटो भी करेंगे।
Yeah.